यहाँ से ये निकले इनकी विग्रह निकली है उसी कुंड में आज भी। अगर उल्टा आदमी कूद जाए तो फिर बाहर वापस नहीं आता है, गड़ जाता है। कितनी रजे इसमें, कई आदमी गड़ जाए। ये पानी दिन में 3 रंग बदलता है। सुबह आप आएंगे मॉर्निंग में तो सफ़ेद मिलेगा और 10 बजे के बाद में हरा हो जाएगा और शाम का जब समय आएगा तो बिल्कुल एकदम सफ़ेद बर्राट हो जाएगा, जैसे समझो दूध है। सब किसी को बताना। तो यहाँ की महत्ता यह है कि यहाँ स्नान करो, स्नान करने के बाद में तालाब में से रज लो और रज को उस घी में मिलाओ और यहाँ से पुजारी से बहुत ही लो, उसको मिला करके एक बार स्नान करो, 3 बार लगाओ उसे। अगर यहाँ पे आके स्नान करते हैं तो उसका भी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। वो ये अभी आए हैं नहाने के लिए। तो ये तो मर्जी है, फिर जगत प्रसिद्ध होगा इसके बारे में, क्योंकि लाखों की भीड़ होती है, 1-1 किलोमीटर तक यहाँ पर जनता प्रवेश नहीं हो पाती है। यहाँ की लीला अपार है, यहाँ की लीला को हर आदमी क्या ऋषि मुनि नहीं जान पाए। कितनी दूर दराज से जनता आती है, यहाँ का चन्नामृत लेकर के अपनी सोरन काया कर लेती है। ये वो जगह है, इसी जगह पर शंकर भगवान श्री कार्तिकेय जी विराजमान थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और आप देख रहे हैं मोहित व्लॉग्स। आज मैं आपको जहाँ के दर्शन कराने के लिए लेकर आया हूँ, ये स्थान, ये गांव कहलाता है तरौली गांव। ये आता है मथुरा में ही और अकबरपुर के हमने आपको दर्शन कराए अपने चैनल पे, अगर आपने दर्शन किए होंगे तो। अकबरपुर से ये गाँव 5 किलोमीटर दूर में आता है और अभी आप पीछे देख रहे हैं मेरे, ये है मुख्य जो गेट बना हुआ है। यहाँ पे अंदर मैं आपको लेके चलूँगा और यहाँ पे जो दर्शन होते हैं वो मैं आपको अंदर कराऊँगा। और यहाँ की कथा इतनी इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए कि आप जब वीडियो देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ का क्या महत्व है। और अभी जो आप ये खाली एरिया देख रहे हैं ना, दिवाली के टाइम पर और हर सोमवार को यहाँ पे इतना रश रहता है कि आप यहाँ पे खड़े भी नहीं हो सकते। और ख़ास तौर पे दिवाली के टाइम पर कि यहाँ पे जो 10 दिन का मेला लगता है वो बहुत अद्भुत होता है। वो क्या है वो आपको मैं अंदर जाके बताऊंगा, अंदर कथा सुनेंगे महाराज जी से। ये है मुख्य वो गेट जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। और ये सीधी सड़क जो आप देख रहे हैं, यही सीधी सड़क आ रही है अकबरपुर से और ये है तरौली गाँव। अंदर चलते हैं और अंदर आपको यहाँ के दर्शन कराएँगे आज। यहाँ का महत्व आपने जैसे कि स्टार्टिंग में देखा और यहाँ की क्या लीला है वो तो हम आपको इसमें बताएंगे ही, यहाँ की कथा भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन जो यहाँ के दर्शन और जो यहाँ का कुंड का महत्व है वो आप जानेंगे इसमें कि यहाँ पे कितना ज़्यादा महत्व है। क्योंकि यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे आया हूँ और जो मेरी कुंड पे नज़र पड़ी है वो देखकर लिटरली मैं बताऊँ आपको, हमारे पास शब्द नहीं है कि मैं किस तरीके से बयां करूँ। एक हमने आपको दर्शन कराए थे बरसाना में गहवर वन में, जो कुंड वहाँ बना हुआ है उसी की भांति का एक एहसास हुआ मुझे यहाँ पे, लेकिन जो यहाँ का महत्व है वो बहुत अधिक है। अभी आपको हम कुंड के भी दर्शन कराएंगे और यहाँ की कथा है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे संपूर्ण। मंदिर में चलते हैं, दर्शन कराते हैं और जो कथा है वो हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। यही वो कुंड है जिसके बारे में मैं बता रहा था। अभी हम आपको आगे लेके चलेंगे और दिखाएंगे, यहाँ के दर्शन कराएंगे, लेकिन सबसे पहले मंदिर में मैं आपको एक बार लेके चलता हूँ। तो जैसे कि मैंने आप सभी को कहा था कि मैं आपको अंदर दर्शन कराऊंगा और यहाँ की जो कथा है वो हम महाराज जी से सुनेंगे कि क्या यहाँ का महत्व है और यहाँ की क्या कथा है। और मैं इस टाइम पर मंदिर के बिल्कुल सामने बैठा हूँ, यहाँ की कथा हम सुनते हैं महाराज जी से और एक जो महत्व है यहाँ का, जो कुंड का महत्व है वो भी जानेंगे उसके बारे में। तो संपूर्ण कथा सुनते हैं और उसके बाद हम आपको उस कुंड के भी दर्शन कराएँगे जो यहाँ पर मौजूद है। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, यहाँ के महत्व के बारे में बताइएगा आप हमें, यहाँ की क्या कथा आती है और जो कुंड का जो महत्व है उसके बारे में भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। देखो, इस भूमि का नाम है शास्त्र में तारणवन नाम, इस गांव का नाम तारणवन है प्राचीन भागवत लेख में, और जहाँ तार का स्वर का वध किया था भगवान श्री कृष्ण ने, तो ये वो जगह है। इसी जगह पर शंकर भगवान श्री कार्तिकेय जी विराजमान थे। तब मैया यशोदा के यहाँ
लाला के दर्शन करने के लिए गए थे तो यहीं से गए थे, इसी झाड़ी से, इसी जंगल से, और वहाँ ये लीला दिखा करके तब वो भगवान रोमन लगे तो मैया यशोदा ने कही बाबा लौट के आ और मेरे लाला इसको सही करके जा। तो बन की माता पहले तो तुमने हमें दर्शन करना दे रही, अब क्या हो गया कि नहीं बाबा मैं हम समझ नहीं पाए। तो ये वो कार्तिकेय स्वामी बाबा शंकर स्वरूप जी हैं। तो यहाँ की विशेषता यह है कि शरीर में कोई भी रोग हो, किसी भी प्रकार का हो, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो जैसे चितक भरे हो जाते हैं, गोल गोल धागे किनारीदार फूल होते हैं और सफ़ेद सफ़ेद दाने हो जाते हैं, लाल लाल दाने हो जाते हैं, जैसे बोलते हैं हिस्ट्री शरीर पालसी बीमारी, ये सारी बीमारियां इस तालाब में स्नान करने से सभी मुक्त हो जाती हैं। यहाँ की परंपरा ये है कि तब तक आप अगर ज़्यादा 80% है या 100% है तो उसको 21 सोमवार करने होंगे, और जिनके कम हैं तो उनको 11 सोमवार करने हैं, और भी कम हैं तो 5 सोमवार तो यहाँ करने पड़ते हैं, तब प्राणी की स्वर्ण काया होती है। और जैसे कि महाराज जी अपने कुंड के बारे में बताया कि 11, 21 या फिर 5, हाँ, तो वो जितने परसेंट होगा, हाँ, उसके हिसाब से हम बताते हैं, उसके हिसाब से बताते हैं कि इतने दिन में सही हो पाएगा। तो यहाँ पे खास तौर पे कोई विशेष ऐसा अवसर जहाँ पे जब यात्री श्रद्धालु तब ज़्यादा आते हों, जैसे कि कोई मेला लगता है? हाँ, यहाँ कार्तिक के महीने में दीपावली की अष्टमी से, दीपावली की अष्टमी यानी दीपावली के बाद की जो अष्टमी आएगी उससे मेला प्रारंभ होगा, और ये मेला रहेगा दोज तक रहेगा। हाँ, तो ये दीपावली के टाइम पर ज़्यादा होता है? हाँ, और वैसे नहीं तो हर सोमवार को, वैसे आठवें दिन लगता है मेला यहाँ, हर आठवें दिन लगता है। हाँ, तो जैसे महाराज जी आपने जिक्र किया कि महादेव जी यहाँ पे रहे और इंतज़ार किया उन्होंने, हाँ, और तब मैया यशोदा ने, हाँ, उनको बुलाया, हाँ, तो जैसे कि हम कथाओं में देखते हैं कि भगवान को द्वार से मैया ने भेज दिया था, तो यहाँ पे कितने समय तक उन्होंने तपस्या की, इसके बारे में कुछ? यहाँ तपस्या तब तक की थी जब भगवान ने, श्री कृष्ण ने जब गिरिराज पर्वत को उठाया था उस समय यहीं थे, उस समय तक यहीं थे, यहीं थे, तब उन्होंने पर्वत उठाया तो सभी देवताओं को वहीं बुला लिया गया। और आज हमारे साथ है महाराज जी श्री रामचरण दास महाराज जी, जो आपने हमारे साथ कई बार देखे हैं वीडियो में, राधे राधे महाराज जी। और महाराज जी आज हमें यहाँ पे दर्शन के लिए लेकर आए, बहुत आनंद आया महाराज जी यहाँ की कथा सुन के। जैसे कि महाराज जी ने बताया कि यहाँ पे कोई भी प्रकार शरीर में अगर ऐसा भी आपके जैसे कि रोग हो जाता है, जैसे कि दाग हो जाते हैं या फिर लाल दाने हो जाते हैं, अगर यहाँ पे आप यहाँ पे आके स्नान करते हैं, सोमवार को यहाँ पे हर सोमवार को मेला लगता है, और ख़ास तौर पे जो विशेष तौर पे दिवाली के टाइम पर, तो अगर आप उस टाइम पर आते हैं और यहाँ पे स्नान करते हैं तो उसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, और बहुत आनंद आ रहा है यहाँ पे दर्शन करके। एक बात महाराज जी हमें बताइएगा, यहाँ पे जैसे हम जो दर्शन कर रहे हैं अंदर, तो यहाँ विग्रह में जो हमें दर्शन हो रहे हैं उनके बारे में बताइएगा, कौन से वो विग्रह हैं? ये जो छोटे रूप में दिख रहे हैं भगवान, ये तालाब में से ही निकले हैं, इन्होंने ही यहाँ संत रूप में दर्शन दिए, जैसे बाबा रामचरण बैठे इस हिसाब से सफ़ेद दागम्बरी और सफ़ेदी लटाती सफ़ेद आभूषण पूरे अपने, इन्होंने ऐसे ही उसमें दर्शन दिए कि लाला हम इस तालाब के अंदर हैं, तुम हमको इसे यहाँ से निकाल लो, यहाँ एक हिस्से का पेड़ है और वहाँ गाय है और गाय के साइड में हम बैठे हुए हैं। तो ऐसे करके यहाँ बुजुर्गों को, पूर्वजों को, हमारे को बताया कि इस तरह से फिर यहाँ ये तालाब बनाया गया। इस तालाब बनाने के बाद में तो हमारे यहाँ के जो बच्चे मुड़ते थे वो मेवात में मुड़ते थे, स्वामी के जाके मुड़ते थे, तो वहाँ जब मेवों का ज़्यादा जोर हो गया तो भगवान ने कह के बन गया, अब तुम घबरा मत ना, मैं तुम्हारे पास हूँ, इस झाड़ी में आ चुका हूँ, तुम आप मुझे यहाँ से निकाल लो। तो पहले क्या था कि काने भेड़े बच्चे हो जाते थे, आँख फिरने लग जाती थी, क्योंकि वहाँ मिसल मुंडनों के दबाव के कारण वहाँ बच्चों को मुंडन कराने नहीं ले जाते थे। तो बाबा ने कही कि अब तुम ऐसा करो कि अब तुम्हारे मुंडन सब यहीं होंगे, यहीं विशाल मेला लगेगा, और ये मेला निश्चित रहेगा दीपावली की अष्टमी से और पूर्णमासी के बाद में दोज तक, 10 दिन का मेला है, इस 10 दिन में आप सारे बच्चों को मुड़ाओ और खुशहाली आएगी। और यहाँ विशेष करके ये है कि जो कूड़ी रोग होते हैं उनका कूड़ निवारक दूर हो जाता है यहाँ, सब किसी को बताना। तो यहाँ की महत्ता ये है कि यहाँ स्नान करो, स्नान करने के बाद में तालाब में से रज लो और रज को उस घी में मिलाओ, और यहाँ से पुजारी से भभूति लो, उसको मिला करके
एक बार स्नान करो, तीन बार लगाओ उसे, जमीन पे सोना है, नमक मिर्च इत्यादि कुछ खाना नहीं है, एक अन्न के भोजन करने हैं अलोने। यहाँ का ये परंपरा, यहाँ के नियम है। और बाकी बात यह है कि जब तक प्राणी संपर्क में आमने सामने नहीं होता तब तक हम देख के तब बताते हैं उसे तुम्हें इतने परसेंट है, आप इतने दिन में सही हो जाओगे। जी, ये तो आपने बहुत उचित बात कही, जिसे कहते हैं संपूर्ण आपने जानकारी हमें दे दी इस चीज़ के लिए, और आनंद आया ये सुनकर। जैसे कि महाराज जी आपने कहा कि कुंड की रज लेनी होती है, तो कुंड कितना गहरा है इसके बारे में कुछ बता। कुंड तो यहाँ कम 8 फुट पानी है इसमें, अब 8 फुट पानी। हाँ, तो रज कैसे ले पाते हैं यहाँ के जो बच्चे हैं, सेवा कार्य हैं, वो सेवा करते हैं जनता की, अपने आप स्नान करते हैं तो वो दे देते हैं निकाल के। यहाँ का भक्ति भाव एक अलौकिक भाव है, या ये नहीं सोचते कहाँ के कौन है क्या, कुछ नहीं, केवल देखा व्यक्ति के ऐसा है, इसके ज़्यादा परेशानी है तो बाकी बैठो तुम घाट पर, हम दे देंगे निकाल। तो इस प्रकार भी कुछ होता है, जैसे कि कोई अगर भक्तजन रज ले जाना चाहे और उसकी अपने मंदिर में पूजा करना चाहे तो ऐसा भी करते हैं भक्तजन? नहीं, हाँ वो अपना ले जा रहा है और किसी के गाँव में है तो वो उसको दे दे तो उसका भी मतलब कल्याण हो जाएगा। कल्याण हो जाएगा, यानी कि कुंड की अगर रज कोई अपने घर में लेके जाना चाहे तो वो भी ले जा सकता है। ले जा सकता है जी। और महाराज जी, जैसे कि हम जो विग्रह बड़े रूप में दर्शन कर रहे हैं जो उनके बारे में और बताइएगा हमें बस। ये जो बड़े विग्रह हैं ये बूढ़े बाबू के नाम से जाने जाते हैं। जैसे घरों में शादी होती है लड़की या बिटिया की या पुत्र की, अगर हम उसको लड़की का जिस समय हल्दी और तेल चढ़ता है उसको कहते हैं तेल कंकन, तो उस तेल कंकन के समय पर अगर हम धोखे से उसे देख लें झाँकें तो हमारा शरीर अंग भंग हो जाएगा, यानी सफ़ेद हो जाएगा, कुछ दाग आ जाएंगे, क्योंकि ये जब बूढ़ा बाबू होता है तो उस समय कोई नहीं देख सकता है, केवल माई देखेगी, और माँ की जो जैसे नंद है और कोई नहीं देख पाएगा, और सभी बच्चों को भगा देते हैं उस समय बूढ़ा बाबू होता है। तो ये जो हम दर्शन कर रहे हैं बूढ़े बाबू, बूढ़े बाबू के दर्शन, बहुत आनंदमय दर्शन है महाराज जी, और बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे दर्शन करके। और आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे महाराज जी? मेरा नाम बाबा भरतदास। कितना समय हो गया सेवा में महाराज जी आपको? मुझे 34 साल हो गए इसी मंदिर में। हाँ, बहुत आनंद की बात है, बहुत ही सुंदर। और हम महाराज जी का भी आज धन्यवाद करेंगे। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे तो बूढ़े बाबू के नाम से पूछते ही, क्योंकि कथा तो अनंत है भगवान की जी, अनंत हर कथा अनंता। बिल्कुल, जैसे शिव जी का शादी होके आई काय के लिए, जो तारक असुर था ना उसके लिए, तब जन्म सर्वभद्र कुमार तारक असुर समर्थ है मारा, जन्म तारकासुर को मारा था, करौली गांव नाम है इसका, तारकासुर को यहाँ पर मारा था। अच्छा, इसी गांव में तारकासुर को मारा था। हाँ, तो वही जो है कार्तिक स्वामी है, उनकी जनानी पूजा करती है, पूरे कार्तिक नहाती है और फिर मेला लगता है यहाँ पर, तो कथा तो अनंत है भगवान की, और शिव जी महाराज की तो है ही है, वो जो बूढ़े बाबू के नाम से क्या थे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बहुत ही सुंदर। सबसे बड़ा तो यहाँ पे ये है कि ये कुंड का महत्व अच्छा है, यहाँ से ये निकले इनकी विग्रह निकली है, उसी कुंड में आज भी जो कोई चर्म रोग के लिए ले जाता है लगाता है वो ठीक हो जाता है। ठीक है, ये बहुत बहुत दूर तक के आते हैं, बहुत बहुत दूर तक। तो ये तो महाराज जी फिर जगत प्रसिद्ध होगा इसके बारे में, क्योंकि जैसे कि आपने बताया उधर उधर चारों लाखों की भीड़ होती है, एक एक किलोमीटर तक यहाँ पर जनता प्रवेश नहीं हो पाती है, पैदल यात्रा करनी पड़ती है, यहाँ इतना ज्यादा रश होता है। हाँ, टाइम पर 5 किलोमीटर अकबरपुर, 5 किलोमीटर अकबरपुर वो भी बंद हो जाती है, पूरी सड़क जाम हो जाती है, जाम लग जाता है, पूरी सड़क बंद हो जाती है। हाँ, 5 किलोमीटर के एरिया में इधर भी इतनी भीड़ हो जाती है। और हमारे साथ है, आपका शुभ नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम वीरू है। वीरू, और आप इसी गांव के निवासी? हाँ जी। और यहाँ पे जैसे कि आप तो बचपन से देखते आ रहे होंगे। हाँ जी। तो कुछ ऐसा ऐसा साक्षात आपने देखा हो यहाँ पे? ऐसा यहाँ पे बहुत पीड़ा वाले व्यक्ति आते हैं, लेकिन चतकवर्रे जो हो जाते हैं दाग धब्बे और चर्म रोग, तो यहाँ पे मिट्टी लगाने से, और यहाँ रहते भी हैं वो, और रहने के बाद यहाँ पूजा सेवा वगैरह करते हैं तो उनके रोग सही हो जाते हैं, फायदा मिलता है। काफ़ी जगह इमारत बनी हुई है, गौशाला है यहाँ पर, स्कूल है पास में, इसमें 1960 में हम पढ़े थे स्कूल में। आज भी स्कूल है वो? हाँ, वो है इधर।
बैक साइड में यहाँ। बहुत अच्छा लगा महाराज जी, आज आनंद पूर्वक यहाँ पे दर्शन हुए और आनंद आया बहुत कथा सुन के भी। और उम्मीद करते हैं जो भक्त देख रहे हैं यहाँ पे दर्शन के लिए आए, और अगर कोई इस रोग से पीड़ित है तो वो भी यहाँ पे आए और अपनी समस्या का जैसे कहते समाधान करें यहाँ पे और दर्शन का लाभ लें। राधे 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 राधे। ये जो पेड़ खड़ा है यहाँ से निकले थे जो अंदर आपने हमें विग्रह के दर्शन कराए, छोटे विग्रह, हाँ वो यहाँ से निकले। यहाँ एक हिंस का पेड़ था, यहीं गई की गऊ की तस्वीर मिली थी प्रतिमा, यहीं यहाँ से ये चरण स्थापित हैं। तो यही है हमारा जीव कुंड जो हम देख रहे हैं सामने। हाँ जी, ये आपके सामने ये सब बच्चे बाल गोपाल नहा रहे हैं, और ये जिनके दाद फूल हैं वो ये अभी आए हैं नहाने के लिए। ये सब दाद फूलों के कारण आए हैं नहाने के लिए, तो सफ़ेद दाद हो जाते हैं। सोमवार को ज़्यादा वैसे तो 12 महीने नहाते हैं, और सोमवार को तो हर मेला लगता है, होती है हर सोमवार को, सोमवार को मेला लगता है। 2,500 आदमी हर सोमवार को, हर सोमवार को 3,000 आदमी, 3,000-5,000 आदमी की भीड़ होती है, होती है। हाँ, जो ये सरोवर है मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका जो पानी है महाराज जी, जैसे कि हम देख रहे हैं बिल्कुल हरा पानी है। ये पानी दिन में 3 रंग बदलता है, सुबह आप आएंगे मॉर्निंग में तो सफ़ेद मिलेगा, और 10 बजे के बाद में हरा हो जाएगा, और शाम को शाम का जब समय आएगा तो बिल्कुल एकदम सफ़ेद बर्राट हो जाएगा, जैसे समझो दूध है। विशेष ये है, ये हकीकत है। हाँ, ये हकीकत है, यहाँ की लीला अपार है। यहाँ की लीला को हर आदमी क्या ऋषि मुनि नहीं जान पाए, ये यहाँ की लीला तो बहुत सुंदर, इसी के लिए तो चमत्कार है। इसीलिए तो यहाँ दुनिया दूर दराज का देश विदेश से आते हैं। आप सोमवार के दिन देखो कितनी दूर दराज से जनता आती है, यहाँ का चन्नामृत लेकर के अपनी सोरन काया कर लेती है। यानी क्या क्या बताएं भगवान के बारे में, अनेक लीला हैं, अनेक लीला हैं। आज है संडे और सोमवार से एक दिन पहले मैं यहाँ पे आया हूँ, लेकिन उसके बावजूद मुझे यहाँ पे यात्रीगण दिखे हैं। अभी एक यात्री आए हैं और परिवार हैं, वो भी स्नान कर रहे हैं। और तो महाराज जी जो स्नान करने के लिए आते हैं तो वो पीड़ित आते हैं। अभी दिल्ली से गए हैं, उससे पहले फरीदाबाद लोग थे, कुछ आगरा से आए, कुछ ऐसे आगरा अलीगढ़ मथुरा ऐसे, जहाँ जहाँ जिसको पता पड़ती है कि वहाँ ये रोग ठीक हो जाता है। दुनिया बड़ी दुखी होती है, कहती है कि हम तो इतना दिखा लिया, हम ठीक ही नहीं भाई, पर बाबा की कृपा हो गई, हमारी आज सोरण काया हो गई। बिल्कुल, तो ये एक ठाकुर जी की लीला है, बहुत ही अट्रैक्शन है। सबसे पहली बात, बहुत ही अट्रैक्शन है इस कुंड को देखने में ही, अपने आप में ही। और एक हमने दर्शन किए थे इस प्रकार के कुंड के गहवर वन में, आपको हमने दर्शन कराए थे उस गहवर कुंड के जहाँ पे राधा रानी की बाग है, और आज उसी की भांति हमें यहाँ पे भी दर्शन होंगे। लेकिन जो महत्व है वो आपको हमने जैसे कि बताया, और पानी का जैसे महाराज जी ने हमें बताया कि 3 रंग ये बदलता है, सुबह के टाइम पर सफ़ेद होता है और दोपहर के टाइम पर ये हरा हो जाता है, और शाम के टाइम पर यानी कि रात के टाइम पर बिल्कुल वाइट हो जाता है। तो आनंद पूर्वक दर्शन हो रहे हैं। अब हम आपको थोड़ा आगे की ओर लेके चलते हैं, और उसके बाद हम यहाँ के संपूर्ण कोशिश करेंगे इस वीडियो में आपको हर एक चीज़ दिखाने की। और यहाँ से ये तो पढ़े में स्कूल है। अच्छा, इसी स्कूल में पढ़े महाराज जी? हाँ, इसी में पढ़े। तो जब का स्कूल आज भी है? हाँ? बहुत ही सुंदर। अब तो और आगे बढ़ेगा, तो आज तक यहाँ पे है शिव परिवार, एक मंदिर यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने। ये मुनि बाबा, इनका शरीर वैसे कब पूरा हुआ? 150 वर्ष की उम्र में इनकी, 150 वर्ष, 150 वर्ष की उम्र में इनकी सही पूरा हुआ। एक सौ पैंतीस साल की उम्र हो। यहाँ पर 50 गांव भंडारी में आए थे जब इनका भंडारा किया। अच्छा, हाँ। तो शरीर इनका पूरा महाराज जी 2006 में जैसे हमने देखा, बहुत मोहनी बाबा बहुत ऊंची महात्मा है, और ये गौ के सेवक है, उन्होंने गायों की बड़ी सेवा करी।
सभी यहाँ पे आके स्नान कर रहे हैं। अगर उल्टा आदमी कूद जाए तो फिर बाहर वापस नहीं आता है, गड़ जाता है। इतनी रज है इसमें, कई आदमी गड़ गए बाबा जी। हम आपको मंदिर में लेके गए, मंदिर के बिल्कुल बराबर में ही है मंदिर की गौशाला। ये है गौशाला के बैक साइड का ही एरिया, जहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे काफी गौए हैं, बहुत गाय, बहुत। ये तो बड़ी गौशाला है। तो महाराज जी यहाँ पे कितने गौ होंगी? कोई 250 गई। तो जैसे कि रख रखाव में हम देख रहे हैं कि बहुत ही बड़ी गौशाला है भी, क्योंकि मंदिर में हमने जैसे प्रवेश किया तो नहीं लग रहा था इतनी बड़ी गौशाला होगी। तो जैसे कहते हैं व्यवस्था अच्छे से हो पाती है? हाँ ठीक है। चलिए महाराज जी, राधे राधे। आपने यहाँ के दर्शन किए, आपको यहाँ पे दर्शन करके कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। यहाँ के दर्शन बहुत अद्भुत दर्शन है, मैं ये कहूँगा। मंदिर में जो आनंदपूर्वक दर्शन हुए उसकी तो मैं क्या व्याख्या करूँ, और जो कुंड है वो बहुत अट्रैक्टिव कुंड है, मैं लिटरली बताऊँगा आपको, बहुत ही सुंदर, बहुत अट्रैक्टिव है वो कुंड। और यहाँ पे भविष्य में मैं कहूँगा आप यहाँ पे दर्शन करने ज़रूर आए। यहाँ की लोकेशन मैं ज़रूर शेयर करूँगा आपके साथ में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, आपको यहाँ की लोकेशन मिल जाएगी। ये मेरी कोशिश है आप सभी के लिए ऐसे ऐसे स्थानों के दर्शन लेके आऊँ जहाँ पे जिसका लाभ आप भी उठा सके। आपने मंदिर में दर्शन करे, आपने कुंड के दर्शन करे, आपने समाधि स्थल के दर्शन करे, साथ ही हमने गौशाला देखी, कितनी भव्य, कितनी बड़ी गौशाला है और बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन किया हुआ है गौशाला को। हमें यहाँ पे जो लोकल थे उन्होंने हमें बताया कि छोटे बच्चों का स्थान अलग है, हालांकि सभी गौशालाओं में ऐसे ही मेंटेनेंस की जाती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा साफ़ सफाई का भी हमने देखा है कि ज़्यादातर यहाँ पे ध्यान रखा गया है। अगर किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम है स्किन से रिलेटेड तो वो यहाँ पे आके वो सॉल्यूशन उसका मिल सकता है। तो मैं ये कहूँगा ये वीडियो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना जिसको ऐसी कोई प्रॉब्लम है स्किन से रिलेटेड, यहाँ पे आके आप अपनी समस्या का जिसे कहते हैं समाधान कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो इस वीडियो को शेयर करना, इस वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रजधाम के वीडियोस ऐसे आते रहेंगे हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहें। आप हमें इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हैं, तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अंत में मैं आप सभी से ये बात कहना चाहूँगा कि यहाँ की लोकेशन मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा कि इन फ्यूचर में कभी आप यहाँ पर आना चाहें तो आप यहाँ पर आ सकें। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा, यहाँ की लोकेशन आपको उसमें मिल जाएगी। राधे राधे।